नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, पिछले दिनों उज्जैन में हुई दो लूट की घटनाओं में ऑटो रिक्शा का प्रयोग होने के बाद प्रशासन ऑटो चालकों पर सख्ती करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऑटो चालक यूनियन और पुलिस प्रशासन के बीच एक बैठक की गई। बैठक में प्रत्येक ऑटो का ट्रैफिक थाने में रजिस्ट्रेशन और ऑटो चालक का वेरिफिकेशन सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। अक्सर देखने में आता है कि बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के आसपास ऑटो रिक्शा की भरमार होती है। स्टेशन से यात्री के बाहर निकलते ही ऑटो चालक उन्हें घेर लेते हैं और सवारी बैठाने की होड़ शुरू हो जाती है। वैसे तो ये ऑटो चालक मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इनमें कई असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। प्रशासन के पास ऑटो चालकों से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। पिछले 14 अप्रैल को शहर में दो लूट की घटनाएं हुई और दोनों ही वारदात में ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद प्रशासन जागा और तुरंत ऑटो चालक यूनियन की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ऑटो चालक यूनियन से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। यूनियन के पदाधिकारियों ने भी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए सभी निर्देशों का पालन करने की बात कही। एकता ऑटो यूनियन के अध्यक्ष फिरोज शाह ने बताया कि हम किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के ऑटो चालक को अपना सदस्य नहीं बनाते हैं और प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसा आपको विदित है कि कुछ दो दिन पहले एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो अपने ऑटो का इस्तेमाल लूटपाट करने, मारपीट करने में उपयोग करते थे। इससे ये बात सामने आई चर्चा के दौरान कि जो भी इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्यवसाय में लगे हुए हैं, ऑटो है, मैजिक है, उसमें भरोसे के साथ सवारी बैठती है कि वो सुरक्षित पहुँचेगी, लेकिन अगर इस तरह से ही लोग अपराध करने लगेंगे तो ऑटो वालों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल मीडिया के कर्मियों से भी चर्चा की गई और उज्जैन में जो ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई और एक सहमति बनी कि सभी ऑटो चालकों का और उनके मालिकों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए और उनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन किया जाए। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का होगा जिसमें संगीन अपराध होंगे, महिला संबंधी अपराध हैं, छेड़छाड़, बलात्कार के रिपोर्टें हैं या लूटपाट, चोरी के मामले हैं और वो मामले अभी लंबित हैं, ऐसे लोगों को हम इस तरह के व्यवसाय में शामिल नहीं होने देंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कराने की कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत कल नीलगंगा थाना क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन का जो 5 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ से शिकायतें मिली थी कि वहाँ के जो ऑटो चालक हैं वो भी जरूर से ज़्यादा किराया मांगते हैं। नीलगंगा थाना की पुलिस वहाँ गई थी और उनकी जांच पड़ताल की कार्रवाई की है और लगातार वहाँ मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि इस तरह की अभद्रता और गुंडागर्दी नहीं हो। उसी अभियान में यातायात पुलिस के द्वारा आज ऐसे ऑटो चालक और ऐसे ऑटो यातायात थाने में खड़े कराए हैं जिनका कोई भी डेटाबेस पुलिस के पास नहीं है और वो डेटाबेस तैयार करके उनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन होगा और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। पुलिस प्रशासन की ओर से ऑटो चालकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और आपका क्या कदम रहेगा आगे? हमारे को जो है उज्जैन ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी कि आज देश के सामने जिन्हें सभी यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं और अन्य जो यूनियन है उन सबको बुलाया, वो बुला के हमें जो उज्जैन शहर के अंदर कुछ ऑटो वालों ने 5 से 6 जो ऑटो वाले उन्होंने जो लूट को अंजाम दिया था कुछ संबंधित में हमारे को उन्होंने बुला के निर्देश दिए कि सभी ऑटो वालों को जिन गाड़ियों के ऊपर यूनिक नंबर नहीं है और जो वर्दी से पहन के नहीं चलाता है और जो अपराधी गतिविधि के जो व्यक्ति हैं। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।